देश का 73वां स्वतंत्रता दिवस गोरखपुर में धूमधाम से मनाया गया। 15 अगस्त के मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण करने के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत एडी इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा दिशा सामूहिक गायन के साथ शुरू हुआ। इसके बाद प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने ग्रुप डांस कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी कहा करते थे कि आज़ादी वह होती है जब एक औरत अपने पूरे जेवर आधी रात को पहनकर निडर होकर घूम सके, आज़ादी वह है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी हम उस तरह का माहौल नहीं बना पाए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सैनिकों के परिवार के 5 परिवारों के लोगों को जिलाधिकारी ने 5,000 का चेक प्रदान किया। साथ ही कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एडीएम एफआर विधान जायसवाल सहित कलेक्ट्रेट परिसर के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हर साल इन बच्चियों द्वारा यही है मेरा हिंदुस्तान। जंजीरें फतेह, परिंदा है तू दिखला दे, जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला हो। सुमित्रा देवी, सुमित्रा देवी, मुलरी देवी, सुंदरी देवी, मुलरी देवी, हेमलता देवी, सुशीला देवी, सुशीला देवी, ये 5 भूतपूर्व सैनिकों के परिजन हैं जिनको सम्मान स्वरूप जिलाधिकारी ने 5,000 रुपए का चेक प्रदान किया। और अब चेक सामने लेते हुए और आगे निकल जाए। मेडिकल इंटर कॉलेज की छात्राएं कहाँ हैं? आ जाए पूर्व माध्यमिक विद्यालय हजारीपुर नगर क्षेत्र के छात्र छात्राओं को संत बलि आया। Thank you.
देश बचा है दुनिया में जो लोकतंत्र के साथ अभी भी खड़ा है, लोकतंत्र का हम लोग सर्वोप्रिय मानते हुए विकास के भी मल्ले तो देरी भी हो जाए ठीक है, बट हम लोग का सर्वोप्रिय काम आज़ादी तो साथ साथ आज और एक त्यौहार भी मना रहे हैं हम लोग। अब जानते हैं रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के साथ साथ हमने तो सुबह कितने लोग ज्ञान दिए, 3 शपथ अतिरिक्त शासन से निर्देश मिला है पढ़ने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण शपथ मैं मानता हूँ, यानी तो आज का हम लोग सबको संकल्प लेना चाहिए था उसी दिशा पे। यानी मैं आपका याद कराना चाहता हूँ, रक्षाबंधन भले जो धार्मिक त्यौहार के रूप से मनाते हैं पर 1905 में वही एक देश पर्व के रूप से हम लोग मनाए थे, तब पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल अलग अलग हुई थी, ताकि अंग्रेज ने जानबूझ करके जो बंगाल का तोड़ने के लिए प्रयास किए, ताकि उस समय में जो कितने आंदोलन है सारे बंगाल में ही एकत्रित हो गए, बंगाल का नियंत्रण कराना बिल्कुल कठिन हो गया, उसी पे कोई सलाह दिया है साहब तो बंगाल का 2 टुकड़ा में बांट दो, ताकि टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ताकि अंग्रेजी का तो स्ट्रैटेजी तो जानते हैं, टुकड़ा करके उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसी से सबसे उन्होंने टुकड़ा किया। इसी बात से उसी महीने में यह त्यौहार भी पड़ा है, उस समय में हम लोग का जो देश के कितने नेता लोग हैं हेलन किए, देखिए भाई बहन भले अलग अलग हो सकता है अलग अलग देश में, बट ये भाईचारा निभाने के लिए इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। आप जा करके सभी लोग तो हाथ में आप रक्षाबंधन बांध करके ये त्यौहार मनाएंगे, और एक साल वही चीज़ हम घर में भी कराते हैं, उसके बाद तो पूरे देश में एक तरफ से देश पर्व के रूप से मनाते हैं। इसका जो स्वतंत्रता के क्या मतलब है, आप तब किसी दिन एक खूबसूरत औरत कोरे को जेवर पहनते हुए रात को 12 बजे बिना भय भी निकलती है, उसी दिन मैं मानता हूँ मेरा देश आज़ाद हुआ। मैं अभी भी मैं तो दुखी के साथ कहना पड़ रहा, अभी तो 72 साल के बाद भी वो स्थिति हम लोग ला नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं तो हम लोग करके ही महिला के धकेट करके पीछे रखे हैं, ताकि कुछ ना कुछ उसे ग्लास सीलिंग कहते हैं, जो दिखता है जो पक्षी को एक मान लीजिए ग्लास का जो इसके केज के अंदर जो बंद होता है, पक्षी को नहीं पता होता है तो ये उड़ती है तो खुला दुनिया है, खुला आसमान मेरा सामने, तब उड़ने के लिए प्रयास किए तो पता चला तो उनके चारों तरफ ग्लास से बंधा हुआ, महिला का ऐसे ही हालत है। भले हम दिखाते हैं दुनिया ग्रीन है पिंक है बहुत बढ़िया है, और उनके ऐसे डब्बा में बिठा रखे हैं भाई बाहर मत जाओ तो मर जाओ, ऐसे हालत में अभी भी है। मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, देखिए तो हम लोगों को बचाने के लिए जो हमारा पहले का वक्त बताएं, लाखों लोग शहीद किए हैं, जो कुर्बानी दिए अपने खून दिए हैं हम देश बचाने के लिए, देश का अंदर जो हमारा लड़की का जो है आज़ादी कौन करेगा, अमीरों का कराना होता है। इसलिए भगवान ने प्रकृति में देखिए, प्रकृति में सब चीज़ बराबर नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, एक पेड़ भी देखें एक पेड़ दूसरे जैसे नहीं होता है, यही तो प्रकृति का खेल है, भगवान के ईमान से आशीर्वाद है।